1, 2, 3, 4. रे जनता ऊंच नीच के पापड़े में लड़ते पड़ते गोल, फिर भी बाज ना आए बंदर बाट के झोल। संत मंत्री पुलिस कलेक्टर सभी खड़ा माडोल, ज्ञान में खोट ना आए भारत एक मौज। मेट्रो में लेडीज कंपार्टमेंट में एक बंदा चढ़ गया और वहाँ पे झगड़ा कर, जब उसको बोला कि उतर जा भैया लेडीज के लिए रिजर्व है, तो वो झगड़ा करने लग गया। जब लड़कियों को बराबरी चाहिए तो अलग से कंपार्टमेंट क्यों चाहिए? अब इसको कौन समझाए कंपार्टमेंट क्यों है? इतनी सिंपल सी बात लोगों को समझ में नहीं आती है। खैर, हम तो यहाँ किसी और काम के लिए आए हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ संजय राजौरा और मैं लेके आ गया हूँ एक और एपिसोड उस प्रोग्राम का जिसका नाम है भारत एक मौज। दोस्तों जिस दिन ये एपिसोड हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, डेट है 3 अक्टूबर, यानी कल था 2 अक्टूबर। अब ये एपिसोड बाहर जब आएगा तब डेट कुछ और ही होगी, लेकिन कल गांधी जयंती थी। गांधी जयंती पे ड्राई डे होने के साथ साथ एक और बहुत चीज़ इंपॉर्टेंट हुई कि स्वच्छता के ऊपर फिर से रोशनी डाली गई गवर्नमेंट के द्वारा। ये बताया गया कि गांधी जी स्वच्छता को लेकर कितने ज़्यादा पर्टिकुलर थे, बाकी सब चीज़ें छोड़ो। तो इस स्वच्छता अभियान के चलते मैं कुछ ट्वीट्स आपको पढ़ के सुनाता हूं जो गांधी जयंती के उपलक्ष्य में करे गए। पहला ट्वीट पीएमओ इंडिया की तरफ से है। साथियों, मैं इस बात के लिए आपको बधाई देना चाहता हूं कि 4 दिन के इस सम्मेलन के बाद हम सब इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि विश्व को स्वच्छ बनाने के लिए 4 P आवश्यक हैं। पूरे विश्व को, यहां हिंदुस्तान की बात नहीं हो रही है, पूरे विश्व को स्वच्छ बनाने के लिए 4 P की आवश्यकता है। और वो 4 P क्या है, ध्यान से सुनिए, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। 4 P क्या है? पहला P पॉलिटिकल लीडरशिप, सेकंड P पब्लिक फंडिंग, तीसरा P पार्टनरशिप, चौथा P पीपल्स पार्टिसिपेशन। मेरे ख्याल से इंडिया के हिसाब से इनको 5वां P भी जोड़ देना चाहिए, डोंट पी ऑन रोड्स। अगला ट्वीट बहुत इंटरेस्टिंग है, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, आप खुद ही जज कर लें कि इसके बारे में आपके विचार ख्याल और आपके मन में कैसे कैसे इमोशन आते हैं इस ट्वीट को पढ़ के। विद द होली प्रीचिंग एंड प्रेजेंस ऑफ सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान, द वॉलंटियर्स ऑफ डेरा सच्चा सौदा हैव क्लीन्ड अबव 30 बिग सिटीज लाइक दिल्ली, मुंबई एटसेट्रा ओनली इन अ फ्यू आवर्स एंड अ डे, विच इज़ रियली कमेंडेबल पार्ट ऑफ इज 133 ग्रेट वेलफेयर वर्क्स। आप हंस सकते हैं थोड़ी देर के लिए, हंस लिए, मैं बताता हूँ आपको गुरमीत राम रहीम सिंह जी कौन है, आपको पता ही है, मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है। देश के लिए जीने का जज्बा पैदा करवाना तो कोई आपसे सीखे। अगर इतना बड़ा काम हो गया तो भाई दिखना भी चाहिए, आपको दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा आपको, अपने चश्मे का नंबर चेंज कराओ। 30 शहर साफ हो चुके हैं, किसने कराए? डेरा सच्चा सौदा। अगला ट्वीट है स्वच्छ भारत के ट्विटर हैंडल से, और वो ट्वीट में कह रहे हैं कॉन्ग्रेचुलेशंस हरियाणा फॉर विनिंग द नंबर 1 स्टेट अवार्ड इन द स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण, ऑनरेबल सीएम श्री मनोहर लाल खट्टर रिसीव्स द अवार्ड ऑन बिहाफ ऑफ द स्टेट। मतलब कि हरियाणा को नंबर 1 अवार्ड मिला है स्वच्छता के लिए। अब जो लोग हरियाणा में रहते हैं वो मेरे से ज़्यादा जानते होंगे, क्योंकि मैं तो उधर नहीं रहता, कि हरियाणा अब बहुत ही साफ हो चुका है। लेकिन इसी ट्वीट के बिल्कुल नीचे हरियाणा की एक और ही फोटो है, ये तस्वीर ज़रा ध्यान से देखें। ये नंबर 1 की तस्वीर अगर ये है तो मैं नंबर 2 की भी देखने से डरूंगा, 3-4 को तो अब रहने दो। 2 एपिसोड पहले हमने एक एपिसोड किया था जिसमें हमने दिखाया था कि किस तरह से यूपी पुलिस के ADG हेलीकॉप्टर से कांवड़ियों के ऊपर गुलाब की पंखुड़ियाँ बरसा रहे थे। अब वो कांवड़ियाँ जितने टाइम तक चल रहा था, कांवड़ चल रहा था, पुलिस को फूल बरसाने पड़ रहे थे, तो यूपी पुलिस के पास बैकलॉग इकट्ठा हो गया था इनकाउंटर्स का। कांवड़ ख़त्म होने के बाद उन्होंने वो बैकलॉग क्लियर करना शुरू कर दिया और इस चक्कर में तिवारी जी भी मारे गए। 370 दिन में यूपी में 1,339 मुठभेड़ हुई है। मेहरबानी करके तो उत्तर प्रदेश छोड़ करके चले जाएं, और अगर उत्तर प्रदेश में रहेंगे तो फिर उनके लिए 2 जगह होंगी, मुझे लगता है उस जगह कोई भी नहीं जाना चाहेगा। क्योंकि कल गांधी जयंती थी तो देखते हैं कि यूपी के ADG कानपुर जोन के क्या ट्वीट कर रहे हैं। 2 अक्टूबर पूरे देश में गांधी जयंती के तौर पर अहिंसा दिवस मनाया जाता है। गांधी जी ने हर परिस्थिति में सिर्फ सच और अहिंसा का साथ दिया। यूपी पुलिस इस एनकाउंटर के बाद अगर अहिंसा और सत्य की बात कर रही है, क्योंकि आपको पता है एनकाउंटर के बाद किस तरीके से कवर अप किए जाने की कोशिश कर रही है,
अहिंसा और सत्य, मतलब एक आदमी को आपने सामने से गोली मार दी तो ये अहिंसा तो नहीं है, फिर उसके बाद उसका आप कवर अप कर रहे हैं तो ये सत्य भी नहीं है, और उसके बाद आप ये ट्वीट कर रहे हैं। गांधी जी को उनके जन्मदिवस पे इससे बढ़िया ट्रिब्यूट कोई हो ही नहीं सकता था कि आपने आयरोनी को ठोक ठोक ठेक मार दिया। एक और अगला ट्वीट है, हैशटैग आई सपोर्ट अलीगढ़ पुलिस, देश की नंबर वन पुलिस। यू नो, ये पढ़ के तो यूपी पुलिस भी चकरा गई होगी कि हम देश की नंबर वन पुलिस हो गए हैं। यूपी पुलिस को खुद यकीन नहीं हो रहा है कि वी आर नंबर वन, लेकिन लोग कह रहे हैं। फिर यूपी पुलिस का एक और ट्वीट है, इट इज ऑलवेज अनफॉर्चुनेट फॉर अ लव्ड वन टू गो मिसिंग, ऑफ कोर्स योर हेल्प इन ट्रेसिंग कैन हेल्प अ फैमिली रीयूनाइट। लेकिन अगर वो लव्ड वन आप ही नहीं उठाया हो तो फिर हम उसका क्या करें, किसके पास जाएं शिकायत लेने के लिए। एक और फोटो जो यूपी पुलिस ने ट्वीट किया है वो आपको दिखा रहे हैं। फोटो को ध्यान से देखिए, फोटो को देख के ऐसा लगता है कि ये एक फिल्म का सीन है जिसके प्रोड्यूसर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, स्टंट डायरेक्टर भी हैं, और जिसमें डायलॉग राइटर भी शायद होंगे। ए, कौन है उधर? फूल वाला है। चल शाम तक, तेरे बाप लोग आए, समझा, तेरे बाप लोग। हमने इतना ज्यादा इसको नॉर्मलाइज किया हुआ है कि पुलिस थाने में पुलिस अक्सर फिल्मों में और टेलीविजन प्रोग्राम्स में डायलॉग मारते हुए दिखाई देती है कि या तो सीधी तरह से जवाब दे दे, वरना तरीके हमारे पास और भी हैं, बिना ये जाने कि और तरीके ये गैर कानूनी हैं। लेकिन वो इतना ज़्यादा हमारे सिस्टम में घुसाया जा चुका है कि अब हमें ये लगता है कि एनकाउंटर के खिलाफ मैं नहीं हूँ, क्राइम खत्म करने के लिए एनकाउंटर बहुत ज़रूरी है। बाहर में गई जुडिशरी, बाहर में गया लॉ, बाहर में गया कॉन्स्टिट्यूशन, पुलिस वाले ही दबंग हैं और दबंग ही पुलिस वाले हैं। तो समझ में ये नहीं आ रहा है कि बॉलीवुड रियलिटी को इंस्पायर कर रहा है या रियलिटी बॉलीवुड को इंस्पायर कर रही है। भाइयों बहनों, एनकाउंटर्स को तो मैं नहीं एकदम क्रिटिसाइज़ करूंगी, क्योंकि वो एक काफ़ी अच्छा तरीका है क्रिमिनल्स को एलिमिनेट करने का। मैम, ये एनकाउंटर की बात हो रही है जिसमें सामने बंदे को गोली मारता है एक दूसरा इंसान, और उस एनकाउंटर में खाली एक इंसान ही नहीं मरता है, एक तो वो ही मरता है जिसको गोली लगी है, और जो गोली मार रहा है उसके अंदर का भी कुछ मरता है। तो ये आप अपने लिविंग रूम्स में बैठ के दबंग देख के, दबंग टू देख के आप ये फील कर सकते हैं कि एनकाउंटर बहुत अच्छा तरीका है क्रिमिनल्स को एलिमिनेट करने का, जब तक वो आपके घर से दूर हो रहा है। लेकिन जिस दिन आपके घर में ये एनकाउंटर हो जाएगा, जैसे मिस्टर तिवारी के साथ हुआ, उस दिन आप इमीडिएटली सड़क पर आ जाओगे कि कैसे पुलिस वाले कानून अपने हाथ में ले सकते हैं। तो ज़रा सोचिए इसके बारे में और सोच समझ के बोलेंगे, ये काफ़ी अच्छा तरीका नहीं है, ये बहुत ही बुरा तरीका है। काफ़ी हद तक उन्होंने ना लॉ एंड ऑर्डर को ठीक किया है, जो मैंने एज अ न्यूज़पेपर में देखा है। पर अभी जो रिसेंट जो इंसिडेंट हुआ है ना लखनऊ के अंदर, जिसमें वो सेल्स मैनेजर को बाय मिस्टेक गोली मार दी है, पर उसके लिए सरकार का क्रिटिसाइज़ नहीं किया जा सकता। राइट, उसमें सरकार को ऐसे नहीं कह सकती सरकार ने गलत किया है, क्योंकि वो एक घटना थी जो हो गई बाय मिस्टेक। देखो, एक चीज़ तो पुलिस का क्या है कि पहले 100 नंबर की यूपी में नहीं चलती थी, जब से योगी सरकार आई 100 नंबर भी चालू हो गया, और फ़ोन करते ही ज़्यादा 10 या 15 मिनट में गाड़ी पहुँच जाती है, कहीं भी कुछ भी होता है। पहले ऐसा कुछ नहीं था, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी बात हुई है, एक घंटा दो घंटे में जब वहाँ पे सब समाप्त हो गया, काम ख़त्म हो गया, उसके बाद पुलिस पहुँच रही है। अब योगी योगी सरकार आते ही 15 से 20 मिनट में पुलिस वहाँ पे पहुँचती है, सबसे बड़ा तो यही बदलाव हुआ है। ये बोल रहे हैं कि 15 से 20 मिनट के अंदर पुलिस वहाँ पे पहुँच जाती है, मतलब वारदात के 15 से 20 मिनट के बाद पुलिस वहाँ पे पहुँच जाती है, जो कि पहले नहीं होता था। मैं कहता हूँ ये भी गलत है। मैं कहता हूं कि यूपी पुलिस इतनी फास्ट हो गई है कि वारदात के 15 से 20 मिनट पहले पहुंच जाती है, पहले पुलिस पहुंच जाती है और उसके बाद वारदात होती है, जिसको ये शहरी लोग बोलते हैं अच्छा तरीका एनकाउंटर। तो मैं बोल रहा था कि जो वहां गर्ल्स की सेफ्टी को लेकर जो पहले था, अब वैसा नहीं है। पहले गर्ल्स के ऊपर कोई पेट्रोल फेंक रहा है, कोई तेजाब फेंक रहा है, उनके साथ बहुत सारी मतलब अपराध, ऐसे अपराध देखने को मिलते थे। लेकिन जब से योगी सरकार आई है तब से ऐसे कोई भी अपराध सामने नहीं आते, कोई भी करने से पहले सोचता है। इन भाई की सुने तो वाह वाह वाह, यूपी में यूपी पुलिस के चलते गर्ल्स की सेफ्टी बहुत बढ़ गई है, ठीक है। लेकिन मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ, जो कि मैंने नहीं, आप सब लोगों ने बहुत पहले से देख रखा होगा, काफ़ी दिन से चल रहा है, वायरल रखा है वो वीडियो, जहाँ पर मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि यूपी पुलिस के रहते उनके संरक्षण में गर्ल्स कितनी सेफ हैं और उनकी कितनी इज्जत करी जा रही है, जरा देखिए। यहाँ किसके घर में रह रही है? तो मुल्ला ज्यादा पसंद आ रहा? नहीं, तो तुझे इतने दिखा दे रहे तो हिंदू के होते हुए
तो पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारी जजमेंट्स के साथ एक और बहुत ही प्रोग्रेसिव सा जजमेंट दिया, जिसको सुन के ज़्यादातर मर्दों के फिर से रोंगटे खड़े होने लग गए। सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया कि शबरीमला मंदिर के अंदर अब औरतों को जाने की इजाज़त है। हमेशा की तरह फिर से हम देखते हैं कि इस मामले के बारे में लोग ट्वीट क्या क्या कर रहे हैं, क्योंकि उससे सब कुछ पता चल जाता है कि लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है आजकल। पहला ट्वीट देखते हैं, ये बोल रहे हैं, यस एससी हैज अलाउड, ओके बट लेट्स जस्ट लीव दिस टेम्पल टू द मैन, देर आर मैनी टेम्पल्स वीमेन कैन गो टू इजिली, वाई कॉम्प्लिकेट थिंग्स, आई थिंक इट्स नॉट ईजी टू मैनेज वैन वीमेन आर ऑल्सो अलाउड, देयर मे बी एडमिनिस्ट्रेशन चेंजेस रिक्वायर्ड इन द लॉन्ग रन। दोस्त आप खामखा घबरा रहे हैं, क्योंकि जिस तरह की हरकतें एक क्राउड में हिंदुस्तानी मर्द करते हैं, इवन आफ्टर द कोर्ट हैज अलाउड वीमेन टू गो इन टू दिस टेम्पल, दे प्रोबेबली विल नॉट गो, नॉट बिकॉज दे डोंट वॉन्ट टू गो, बट बिकॉज दे डोंट वॉन्ट टू गो विद यू, यू इंडियन मैन। अब ये ट्वीट देखिए, नो इमोटिकॉन, नो वर्ड कैन डिस्क्राइब द अबंडनमेंट एंड एलियनेशन अ सनातनी हिंदू फील्स टूडे, इट्स नॉट जस्ट द क्वेश्चन ऑफ शबरीमला वर्डिक्ट बट द रिलेंटलेस असॉल्ट ऑन द हिंदू वे ऑफ लिविंग, कस्टम्स एंड टोटल लैक ऑफ कंसर्न फॉर द एजेंसी ऑफ अ हिंदू इन इंडिया स्लैश भारत। तो मैं इनको एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करने को बोलता हूँ कि इस तरह की बयानबाजी ट्वीट करने से पहले आप एक काम करें, आप ना एक पोर्टल बना लें, वेबसाइट बना लें, और सिंपली एक एक्सेल शीट ही बना लें यार, उसमें तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, जिसमें आप कॉलम्स बना लें, हिंदू वे ऑफ लिविंग, नॉन हिंदू वे ऑफ लिविंग, और फिर सरकार के या कोर्ट्स के सारे जितने भी जजमेंट्स और एक्शंस हैं उनको मैच कर लीजिए कि उनमें से कितने कितने एक्शंस, कितने कितने वर्डिक्ट्स हिंदू वे ऑफ लिविंग को चैलेंज कर रहे हैं और माइनॉरिटी वे ऑफ लिविंग को चैलेंज कर रहे हैं। नाउ ये ट्वीट बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये साफ करेंगे, टोटल निग्लेक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स ऑफ अ डेटी, इज देयर अ पॉसिबिलिटी ऑफ एन ऑर्डिनेंस, हिंदूज शुड यूनाइट एंड डिमांड जस्टिस। और ये तो वो मुल्क है सर जहां पे तो इंसानों के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स नहीं है, तो डेटी तो बाद की बात है, तो लेकिन बहरहाल आप अपनी प्रायोरिटीज़ खुद डिसाइड कर लें। मेरा तो मानना यह है कि भगवान अपना ख्याल खुद रख लेगा, उसको आपकी ज़रूरत नहीं है, माफ़ करें। इसी मूड में एक और ट्वीट है, देर इज़ अ रीज़न वाई वेमेन आर नॉट अलाउड इन साइड द टेम्पल, कुछ ना कुछ रीज़न तो होगा ही भी आपने बनाया हुआ, हर औरत को पर्दे में रखने के पीछे भी एक रीज़न है, औरत को सती करने के पीछे भी एक रीज़न था, और औरत को हर एक्सप्लॉयटेशन के लिए कोई ना कोई रीज़न होता है, तो इसके पीछे भी रहा होगा। अब ये एक बहुत ही साइंटिफिक माइंडेड इंसान ने ट्वीट किया है, उन्होंने लिखा है, ड्यू टू एक्सेसिव ब्लड लॉसेज Sometimes women will die due to lack of oxygen supply to brain if proper medication is not provided. Now tell me, temples are usually congested, so is it safe for women? Should we risk their lives? अगर आपके लॉजिक के हिसाब से चला जाए तो फिर तो ओलंपिक्स में, एशियन गेम्स में, विम्बलडन में, फ्रेंच ओपन में, ऑस्ट्रेलियन ओपन में, या किसी भी स्पोर्ट में औरतों का पार्टिसिपेशन होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि अगर ओलंपिक्स में इतनी सारी औरतें पार्टिसिपेट कर रही हैं तो ऐसा तो नहीं है ना कि सबके पीरियड्स एक ही टाइम पे हो रहे हैं, और वो ओलंपिक इस तरह से ऑर्गेनाइज किया गया है कि भाई उस टाइम पे जब इन सारी औरतों के पीरियड्स ना हो रहे हों, क्या बकवास कर रहे हो आप, औरतें खेलती हैं, 5-5 सेटर गेम्स खेलती हैं, मार्टिना नवरोथिलोवा के साथ एक गेम खेल के देख लेना सर आप। एंड फाइनली, बिकॉज आजकल सबको इस तरह की जहालत भरी बातें करने का अधिकार है किसी भी मामले में, तो इस मामले में भी साहब ने अपना पत्ता फेंक दिया। पत्ता क्या फेंका है मैं पढ़ के सुनाता हूं, आई ओपनली से I will not allow young women of my family and relatives to go to Sabarimala. Sir, आप बहुत ही निहायत अव्वल दर्जे के बेवकूफ हो। आगे चलते। I will follow temple principles. I am least bothered about top court, which most of the time showing partiality. देखो यार, ये कह रहे हैं, I am least bothered about the top court. इस एक लाइन में आजकल के हिंदुस्तान की सारी कहानी की समरी है। We are living in India, a country which is growing, and till now we are fighting for such stupid issues for women wanting to go to a temple to pray. I mean, it should not be a problem, but in India it is a problem. सबसे पहले लड़कियों को सोचना चाहिए कि परिवार वालों के बारे में सोचें, अपने बारे में मत सोचें, कोई दिक्कत नहीं है, पर परिवार वालों के बारे में सोचें कि वो कैसे सर उठा के चल पाएंगे कि नहीं चल पाएंगे हमारे इस कदम से। तो दोस्तों ये था इस हफ्ते का, हफ्ता तो नहीं बोलना चाहिए क्योंकि हमारा तो हफ्ता कुछ होता नहीं है। तो दोस्तों ये था इस बारी का भारत एक मौज, और इसमें जितनी कुछ बातें मैं कर सकता था मैंने करने की कोशिश करी है। आप में से बहुत लोग कमेंट्स भी करते हैं नीचे, कुछ अच्छे, कुछ
हमारी खिलाफत में कमेंट करते हैं, कुछ कमेंट करते हैं कि हम इंडिया के और ज़्यादा इलाकों से कहानियाँ या स्टोरीज़ नहीं लेके आते हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपके आसपास कोई भी ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरी हो रही है जो आप चाहते हैं कि उसके बारे में बात करी जाए, तो प्लीज़ हमें कमेंट्स में लिख के भेजिए, हम उन स्टोरीज़ को उठाएंगे और उनके बारे में बात करेंगे। और अगर नहीं भी हो रही है कोई भी स्टोरीज़, वैसे ऐसा बड़ा मुश्किल है हिंदुस्तान में स्टोरीज़ ना हो, तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिए और हम इसको बेहतर बनाने की कोशिश करते रहेंगे। और आप देखते रहिए भारत एक मौज। अरे चटनी एक ऐसी भैया स्वाद सभी सभी रोल, मजे में फिर भी ले चटकारे भारत एक मौज। अरे चढ़ी गई खजूर पे और मौसम हो गया है सोस, महाभारत के काल में हो गई इंटरनेट की खोज, पहलू का सिमरख बर मांगे जान के भिक्षा रोज, और काठ के उल्लू बन गए राजा भारत एक मौज। अरे मन की बात करे अरे संडे बिना किसी के रोक, आम नागरिक कुछ भी बोले लो आ गई जन कीड़ों की फौज। अब देश में पढ़ना लिखना हो गया टैक्स पेयर पे बोझ, पर कावड़ियों पे फूल की चादर भारत एक मौज। अरे भारत एक मौज, अरे भारत एक मौज, अरे भारत एक मौज, अरे भारत एक मौज, अरे